नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। आज मैं बताऊंगा आपको अल्टरनेटर की जो कटआउट है उसके बारे में। ये कटआउट है 407 अल्टरनेटर वाली, इसको चेक कैसे करूँगा उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। ये है नई वाली कटआउट है 407 अल्टरनेटर, और एक ये है हमारे पास मारुति मॉडल है, ये मारुति की कटआउट है ये वाली। ये नई वाली है और ये भी नई वाली है, दोनों नई हैं और ये पुरानी वाली है, और ये 407 वाली ये भी पुरानी है। ये दोनों ख़राब है और ये दोनों चालू है। मैं बताऊंगा कैसे चालू है और कैसी ख़राब है। ये पुरानी वाली, ये ख़राब, हाँ चालू है। ये वाली पुरानी कटआउट है 407 अल्टरनेटर की, ये ख़राब है और ये नई वाली है। अब मैं चेक करके बताऊंगा कि किस तरह चेक करते हैं कटआउट को। ये जो हमारी बैटरी है इसमें प्लस माइनस का दो वायर लगा दिया मैंने। ये बैटरी है 12 वोल्ट बैटरी है, इसमें ये वाला लाल वाला प्लस है और ब्लैक वाला काला है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि ये वाली मारुति वाली कटआउट को कैसे चेक करते हैं। बहुत ईजी है, सरल है ये। और ये बत्ती है, बत्ती का दो वायर है। ये लाल वाले वायर को तो बैटरी के प्लस में जॉइंट कर देंगे, और बैटरी का ये वाला ब्लैक वायर प्लस माइनस का है, और ये कटआउट का काला तार है ये माइनस है, और ये पॉजिटिव है दोनों कार्बन बूस के। बैटरी का काला वायर और कटआउट का काला वायर, मतलब अर्थिंग से अर्थिंग मिला देंगे। और बत्ती का दूसरा वायर बच रहा है, जो ये हम लगाएंगे ग्रीन वाले वायर में। बत्ती को देंगे आप चालू कर, अगर ये ख़राब होगी तो ये नहीं चलेगी। ये देखो ये ख़राब है, ये नहीं चल रही, ये वाली ख़राब है। और हम नई चेक करेंगे, आपको बताएंगे ये वाली नई है। और इसका ये वायर कटा हुआ है, ये अर्थिंग का है ये माइनस वाला, और ये ग्रीन वाला तार है इसको हम चेक करेंगे। फिर बत्ती का दोनों तार है, एक ये वाला है, ये बत्ती चल रही है, मतलब ये चालू है कटआउट, ये ओके टेस्टेड है कंप्लीट है। और ये वाली ख़राब है, ये एक बार और दिखा देता हूँ आपको। बैटरी का माइनस और कटआउट का माइनस, मतलब ब्लैक ब्लैक। और इसको ग्रीन तार में चेक करेंगे, ये वाला बिल्कुल गलत नहीं चल रहा है, मतलब ये ख़राब है। और ये आपको बता ही दिया, एक बार और बता रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाला मतलब चल रहा है, तो ये उसके कंप्लीट है। तो अल्टरनेटर कटावट की, ये अल्टरनेटर कटावट है, मैं इसको चेक करूँगा, आपको बताऊँगा कि इसको चेक करते हैं चालू या ख़राब है। इसको ये बैटरी है, बैटरी के प्लस और माइनस दो तार लेंगे हम ये वाले, और एक बत्ती लेंगे हम, ये बल्ब है ये वाला, इसका एक तार और बैटरी का ये प्लस वाला तार, इसको जोड़ देंगे हम। एक तार तो बत्ती का जुड़ गया और एक बैटरी का प्लस वाला जुड़ गया। और ये कटावट है, इसमें ये प्लस वाला तार है 10 नंबर क्लिप लगा हुआ है, बाकी ये अर्थिंग का है, और ये भी पॉजिटिव है करंट वाला, और ये अर्थिंग का तार है कटावट का, और बैटरी का जो अर्थ वाला है माइनस का तार, इसको इसमें जोड़ेंगे हम। ये जोड़ दिया, और ये वाला है जिसमें हम प्लस वाला करंट देंगे इसके अंदर, ये जोड़ रखा है हमने, ये इसके अंदर ये वाला जोड़ दिया। और अब बत्ती का चल रहा है बचा हुआ ये वाला वायर है, जो हम इस येलो कलर के तार में जोड़ेंगे पीले वाले तार में, इसको टच कर दिया। और इसके बाद में हम ये वाला जो खूंटी है इसके टच करेंगे, इसके नहीं चल रहा है बल्ब, तो ये वाली ख़राब है कटावट। ये देखो बल्ब नहीं चल रहा है, इसमें तो अर्थ वाला बैटरी का, इसमें प्लस वाला करंट का, और बत्ती का बैटरी का प्लस मिला हुआ है, और फिर इसका करंट दिया है प्लस वाला इसके अंदर, ये टच करें नहीं चल रहा, मतलब ये कटावट ख़राब है। अब नई चेक करेंगे वो उसमें बल्ब चल जाएगा, इसको हटाएंगे हम, नई वाली कटावट लगा के दिखाते हैं हम आपको।
वाली ख़राब है और हम नई वाली कटआउट लेंगे। ये भाई ये भी 407 सेम है, अल्टीमेटर की कटआउट है, सेम वैसे ही तार जोड़ना है वापस। ये वाला अर्थिंग का है, इसमें जोड़ दिया मैंने कटआउट के काले वाले तार में। तो ये 10 नंबर लाल वाला तार है क्लिप, 10 नंबर क्लिप इसमें जोड़ेंगे हम करंट वाला, ये जोड़ दिया। और ये पीला वाला वायर बचा हुआ है जो इसमें बत्ती का दूसरा तार है, ये वाला इसमें जोड़ेंगे। इसमें जोड़ने के बाद में इसकी बॉडी का टच करेंगे, ये वाली पत्ती है इसके टच करने के बाद में पता चलेगा कि ये चालू है या खराब। आप बत्ती को देखना चल जाएगी, ये चालू है। ये नई वाली कटावट है, 407 अल्टीनेटर की कटावट इस तरह चेक करते हैं। और इसमें दे दिया करंट, दे दिया हमने, इसमें अर्थिंग दे दिया, और ये वाला है इसके बत्ती का दूसरा वायर है इस बत्ती का, वो दे दिया। और हम इसको बॉडी के टच करेंगे तो ये बल्ब चला रहा है। उसके बाद में इस वायर को और इस वायर को हल्का सा टच करके देखेंगे बल्ब कमती बत्ती हो रहा है या ना हो रहा है। नहीं हो रहा, ये बल्ब हल्का सा कमती बत्ती हो रहा है, तो इसका मतलब ये कम्प्लीट है, ये ओके है। ये इसे चेक करते हैं 407 कटआउट को, और इस तरह ये कटआउट को चेक करते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने का कुछ लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि हमारी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू।